दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे वीडियो देख के कि आज मैं आपको किस मैच के बारे में बताने वाला हूँ। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आज मैं आपको बताऊंगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 इंडिया वर्सेज पाकिस्तान सेमीफाइनल। तो ये होगा मेरा एपिसोड नंबर 8, जिसका नाम है टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो पहले मैं रिवाइंड फटाफट करवा दूं कि सबसे पहले एपिसोड 1 था वीरेंद्र सहवाग की कहानी परफेक्ट रिवेंज, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, फिर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच नंबर 2 ए नेल बाइटर थ्रिलर, जहां थी सचिन तेंदुलकर की कहानी अच्छा शतक लगाया मैच टाई हुआ। फिर एपिसोड 3-4 फर्स्ट हीरोइक्स एंड सेकंड हीरोइक्स ऑफ बेस्ट ऑलराउंडर युवराज सिंह, आयरलैंड के सामने एक मैच आया जो कि लो स्कोरिंग था वो जितवाया। फिर नीदरलैंड के सामने दूसरा मैच आया लो स्कोरिंग वो जितवाया। पांचवा मैच इंडिया हारी वो था एन आई ओपनर फॉर टीम इंडिया, सचिन तेंदुलकर की अकेले की कहानी भी साथ मिला था थोड़ा गंभीर और सहवाग का, लेकिन बाकी किसी का नहीं मिला। फिर आया एपिसोड नंबर 6 ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज, जो था युवराज फाइटर सिंह, जिसमें युवराज सिंह बने फाइटर सिंह। उसके बाद हम बात करें तो अगला मैच आया क्वार्टर फाइनल में, जब ग्रुप स्टेज खत्म हुआ इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट गेम था, क्योंकि वो था एक और मैच ऐसा जिसमें टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क था। क्योंकि अगर हम बात करें तो उसमें भी मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत लोगों का योगदान था, तो हम उस एपिसोड का हमने क्या नाम रखा था, टीम इंडिया एंडेड ऑस्ट्रेलिया ड्रीम रन इन दी वर्ल्ड कप्स। लेकिन इस एपिसोड का जो नाम है वो है टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। तो ये क्यों है वो आइए हम शुरू करते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट मैच था अगर हम बात करें तो, क्योंकि आपको याद होगा कि इसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए थे, पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री गिलानी आए थे, और हम बात करें तो क्रिकेट जगत के भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे मैच देखने, जो पुराने थे, और हम बात करें तो इंडिया के भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज आए थे, और वर्ल्ड से इधर उधर से बहुत सारे लोग आ रहे थे। तो भारत ने पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला करा और अच्छा फैसला साबित हुआ। सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने अच्छी 48 रन की ओपनिंग करी। वीरेंद्र सहवाग ने बहुत ही अच्छे 25 बॉलों में 38 रन बनाए, इसमें 9 चौके थे, और हम बात करें तो 36 रन मतलब उनके चौकों के थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या थी, उमर गुल जो उस वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने कहा था कि मैं वीरेंद्र सहवाग को आते ही 0 पे आउट करूंगा, उनके ओवर में लगाए 5 चौके। कुछ करिए नस नस मेरी खोले। That's in the air, 4 runs on the onside. 4 runs on the onside. This time a wristy flick, the result the same. Again, nicely placed and timed. Exquisite timing here from Sehwag. This time for the offside, slower delivery, he waited on it. Magnificently struck. It's raining boundaries here in Mohali already. तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी कि कैसे वीरेंद्र सहवाग ने उमर गुल की करीब 32 गुल। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग जरूर आउट हो गए वहाब रियाज की बॉल पे, लेकिन सचिन तेंदुलकर क्रीज पे खड़े रहे एक तरफ से। फिर गौतम गंभीर आए, उन्होंने भी अच्छे 27 रन बनाए, और सचिन तेंदुलकर के साथ मिलकर लगभग हम बात करें तो 66 रन की पार्टनरशिप करी। लेकिन फिर वो एक बाहर खराब शॉट खेल के मोहम्मद हफीज की बॉल पे स्टंप हो गए और यहां से ही मैच बदला। उसके बाद अगर हम बात करें विराट कोहली 9 रन पे आउट हो गए, तब नए थे जैसा कि मैंने कहा, अपनी विकेट तब ज्यादा देर नहीं बचा पाते थे, तो वहाब रियाज की अच्छी गेंद पे वो आउट हो गए। उसके बाद सबसे तगड़ा झटका लगा जब युवराज सिंह आते ही 0 पे आउट हो गए पहली गेंद पे, वो एक बहुत बड़ा भारत के लिए सेटबैक था। तो वहाब रियाज 3 विकेट हमारी बड़ी बड़ी ले गए थे। तो इस वर्ल्ड कप के अगर हम मैच में बात करें तो वहाब रियाज के लिए बहुत बड़ी कहानी थी, उस पर बात करते हैं आगे। पहले हम और विकेटों की बात करते हैं। फिर आए कप्तान धोनी, बहुत ही अच्छी लगभग 46 रन की साझेदारी करी सर सचिन तेंदुलकर के साथ। अब हम बात करते हैं सर सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने खेली इस वर्ल्ड कप की एक और अपनी बहुत अच्छी पारी, जिसकी बात काफी कम होती क्योंकि शतक नहीं था, लेकिन बहुत अच्छे 85 रन बनाए 115 गेंदों में, 11 चौके लगाए। और इस मैच की जो कहानी है वो यही है कि अभी तक जिस सचिन तेंदुलकर को हमेशा अंपायरिंग से मतलब धोखा ही मिलता था, बहुत बार गलत आउट देगा, उस मैच में उन्हें इतना साथ मिला अंपायरिंग का भी और कैचिंग का भी। तो पहले देखिए अंपायरिंग का उन्हें कैसे साथ मिला। The green. So this is going to be one of those rare ones that will be overturned. Ian Poole will have to do that. That means a lifeline for Tendulkar. Oh, there's another one. This time comes with stumping and Simon Popov has gone for the third part. This is not a DRS. This is a TV umpire decision. This comes broken. You see the bail in the air and that's when you've got to focus on the foot. Is it in contact with the ground? Seems like it is looking at a shadow there. Better angle here. In the air. Back on four. It's a very difficult one with the umpire. Here the road is Thompson again. It's not out again. 2-2 for Sachin Tendulkar. Good piece take.
तो देखा आपने कि कैसे उन्हें साथ मिला, क्योंकि वो पहले आउट हो गए थे लेकिन उन्होंने DRS लिया। अब इसमें अंपायरिंग का साथ आप कहेंगे क्यों, उन्होंने तो आउट दे दिया लेकिन DRS था तो DRS ने बचाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस सचिन तेंदुलकर को हमेशा क्रिकेट से यही चीज मिलती थी कि गलत आउट दे दिया जाता था, अकेले खड़े रह जाते थे, अब उन्हें भगवान भी कह रहे थे कि नहीं आप कोशिश कर रहे हो आपको मदद मिलेगी, और सिर्फ यही मदद नहीं मिली, साथ में क्या हुआ छूटे 4-4 कैच। Excited he was a cat with many, many lives. Oh no, Dan, can't you believe it? And it goes past the outside edge, or did that take the edge? Afraid he feels that there was an edge, there was a case in his favor. But did he even prefer Sachin Tendulkar? Oh no, he hasn't dropped it. Ian, Tendulkar has now been dropped 4 points. And escaped the promised LBW you'd see on another day. And this was probably the easiest one of them all. World Cup semi-final. He dropped the pace back from 4 times. It's ridiculous. This time the culprit is Mark Bell. तो देखा आपने कि कैसे उन्होंने 4-4 कैच छोड़ दिए। अब हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के चौकों की, तो उन्होंने बहुत अच्छे 11 चौके लगाए। Lovely shot. First boundary for Sachin Tendulkar. He's gone fine. That's going to be poor. Crowd comes alive yet again. Oh, he's nicely tucked that away. And this might actually bolt to the ropes. Tremendous timing. Found the gap. This is going to be another boundary. That's the shot again. It was Sehwag power for the first 5 overs. Now it's the grace of Sachin Tendulkar. Making an impact is Sachin Tendulkar. Safe. It's a little chip, and it might even be 4. Well, he goes over the top this time. I don't know whether that's what he was trying to do the previous time when he was dropped at short extra cover. It was a googly, but it was just a little wide. And so deft there, Tendulkar. Deftest of touches. Saw that fine. Good work, no. They'll be very disappointed with that, Afridi. Fire shot, inside out, and into the gap. Very intentional from Tendulkar. तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे कि सचिन तेंदुलकर ने कितने अच्छे 11 चौके लगाए। उसके बाद वो 85 रन पे आउट हो गए सईद अजमल की बॉल पे, शाहिद अफरीदी ने बहुत अच्छी कैच ली। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी भी 25 रन पे आउट हो गए बाबर यासी गेंद पे। फिर रायना ने लास्ट के 9 ओवर में मिलकर नीचे टेलेंडर्स के साथ मिलकर 55 रन बनाए। हरभजन सिंह ने 12 रन बनाए, जहीर ने 9 रन बनाए, आशीष ने 1, मुना पटेल 0। लेकिन जो सबसे अच्छी पारी आई वो आई सुरेश रायना की नीचे एक, और जिन्होंने बहुत ही अच्छे 38 गेंदों में 36 रन बनाए नाबाद और 3 चौके लगाए। तो रायना की बदौलत ही इंडिया 260 तक पहुंच पाया, और बाद में पता चलने वाला था कि रायना It's another full toss, and it's a boundary from Suresh Raina. Can be a dangerous player, this left-hander. He's gone straight for the side screen, and he'll get 4 runs. Suresh Raina starting to flex his muscle. Wonderful shot. Suresh Raina getting some... तो बड़े बड़े लोग शतक लगाते हैं, अर्धशतक लगाते हैं और अपनी टीम को जिताते हैं, लेकिन सेमीफाइनल, फाइनल और क्वार्टर फाइनल में भी सुरेश रैना की ऐसी पारियां जो मिली, ऐसी पारियां चाहिए होती हैं जो बहुत सारी टीमों को, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड को आज तक नहीं मिल पाई। इंग्लैंड अब जरूर वर्ल्ड कप जीता, लेकिन इंग्लैंड और हम बात करें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को तो आज तक कभी ऐसे नहीं मिला। और ऑस्ट्रेलिया भी जब हारता है या और भी कोई बड़ी टीम हारती है तो उनके साथ भी यही हुआ है। तो हम बड़े लकी थे कि हमारे पास में सुरेश रैना थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के क्वार्टर फाइनल और फिर पाकिस्तान के सेमीफाइनल में ऐसी नहीं खेली। बॉलिंग की बात करें तो सईद अजमल को 2 विकेट मिली, इसके सिवा मोहम्मद हफीज को एक, पंजाब बोला वहाब रियाज, बेल्टन वहाब रियाज बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी आपने उसे। अब भारत को 260 रन बचाने थे, एक अच्छी ओपनिंग साझेदारी हुई 44 रन की हफीज और कामरान अकमल के बीच। कामरान अकमल ने अच्छे 19 रन बनाए, लेकिन फिर जहीर ने उन्हें आउट करा। Well, he has been the outstanding performer with the ball for India throughout this tournament, both with the new ball and then when he's come back, he always comes back. और यूं अपना एग्रेशन दिखाया, बहुत अच्छी हो विकेट ली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा कि जहीर खान ने कैसे पहली विकेट गिरी, क्योंकि तब ऐसा लग रहा था कि कहीं इस बार पाकिस्तान का खाता तो नहीं खुल जाएगा जब तक 4 बार इंडिया उनसे वर्ल्ड कप में जीता था या T20 में मिला के 6 बार जीता था। लेकिन जहीर खान ने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर जब 77 रन थे तब मोहम्मद हफीज भी 43 रन पे आउट हो गए, मुना पटेल ने बहुत अच्छी विकेट ली। फिर पाकिस्तान 103/2 था 25 ओवर में, और तब लग रहा था मैच धीरे धीरे हाथ से जा रहा है, 25 ओवर में 58 रन चाहिए थे। फिर आए इंडिया के हमेशा के इस वर्ल्ड कप के संकट मोचक युवराज सिंह, 2 विकेटें ली, पहले बोल्ड मारा असद शबीक को और यूं करा यूवी। बहुत अच्छी वो कमेंट्री थी रिची बेनोट की और मजा आ गया था देख के, और यहाँ पे भी मजा आ गया होगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिर आउट करा यूनिस खान को, बहुत अच्छी कैच ली और फिर बोला आउट आउट, युवराज सिंह हैज टू पंजाब गोइंग नाउ। तो बहुत ही अच्छे उस मैच के 2 मोमेंट्स थे, युवराज ने 2 विकेट ली। फिर उमर अकमल आए तो यूनस खान 13 रन पे आउट हो गए, फिर उमर अकमल आए, इन्होंने बहुत तेज 29 रन बनाए, और ऐसे ही बस शाहिद अफरीदी का दूसरे पाकिस्तानी बैट्समैन थे जिनका इस समय में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, क्योंकि 2-3 छक्के लगा चुके थे और युवराज सिंह को पीट रहे थे। फिर हरभजन सिंह ने डाली बॉल ऑफ द टूर्नामेंट,
बोल्ड मारा यूं और धोनी ने भी यूं करा कि वाह सरदार जी क्या बात है, मजा आ गया था वो डिलीवरी देख के। उसके बाद अगर हम बात करें तो मुनाफ पटेल ने भी बहुत ऐसी अच्छी डिलीवरी डाली और अब्दुल रजाक को 3 रन पे बोल्ड कर दिया। फिर आए अपने आप को हीरो समझने वाले शाहिद अफरीदी, उनको हरभजन सिंह ने डाली फुल टॉस और 17 बॉलों में 19 रन बना के वो चलते यूं करा हरभजन ने, मजा आ गया था देख के। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर वहाब रियाज को भी 8 रन पे आशीष ने रन आउट कर दिया, उमर गुल को भी 2 रन पे आउट कर दिया, नेहरा ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। फिर बस मिसबाउला का अकेले खड़े हुए थे सही रन का और लग रहा था फॉर्मेट भी, और फिर लास्ट में शॉट खेला और 56 रन पे जई खान की बॉल पर विराट कोहली ने कैच ली और तबलीजी बैन और कमर की कमेंट्री करते हैं। That's miles in the air and it is gone. India win the semi-final by 29 runs into the finals. तो बहुत मजा आया था उस दिन, जश्न मनाया था, यही तो रात थी 30 की और 31 का दिन था, तो बहुत मजा आया था, सब लोग बहुत अच्छा खेले। हम बात करें पांचों बॉलरों ने 2-2 विकेट लिए, जो मैं कहता हूँ ये बेस्ट बॉलिंग स्कोर कार्ड होता है। ये नहीं कि एक बंदा 5 विकेट ले, 6 विकेट ले या 2-4 ले, हर कोई 2-2 ले, जहीर दो, हरभजन दो, नेहरा दो, पटेल दो, युवराज दो, और नेहरा और पटेल की इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि मिला के 20 ओवर में 72 रन दिए, तो वेल डन ऑल टू ऑफ यू। और बाकी भी अगर हम बात करें हरभजन और हम बात करें युवराज और जहीर की तो हमने बहुत बात करी, इसके सिवा बैटिंग में मैंने कहा कि रायना की नीचे बहुत अच्छी पारी थी, सहवाग ने 32 बॉल करी उमर गुल की, और धोनी और हम बात करें तो गंभीर की भी पारी ठीक ठीक थी, 27 और 25 रन की पार्टनरशिप उन्होंने बनाई। हाँ जरूर विराट कोहली ने इलाज करा, वो भी 27-28 रन की पार्टनरशिप वैसे बना के गए थे तेंदुलकर, और जो सबसे अच्छा खेले बैटिंग में खेले तेंदुलकर ऐसी पिच पे, बहुत अच्छे 85 रन बनाए और बने पहली बार इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच और सबसे ज्यादा बार मैन ऑफ द मैच बने। तो जो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच में नहीं हो पाया था उनके शतक लगाने का, वो इस बार हो गया कि इंडिया को जीत मिली और बने मैन ऑफ द मैच। तो वेल प्लेड सर सचिन तेंदुलकर, और शाहिद अफरीदी ने मैच हार के कहा कि कोई बात नहीं, अगर हम वर्ल्ड कप आ गए तो क्या हुआ, हमने सचिन को शतक नहीं लगाने दिया। रिकी पॉन्टिंग ने भी पिछले महीने कहा था सचिन को नहीं लगाने देंगे शतक, तो दोस्तों कितनी मतलब हंसी की बात है कि कुछ लोगों के लिए वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से बड़ी थी सचिन की सेंचुरी, लेकिन हमारे लिए तो सबसे बड़ी है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। तो इंडिया फाइनल में आया 29 रन से जीत के और तेंदुलकर मैन ऑफ द मैच बने, तभी मैंने कहा टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क, क्योंकि धोनी ने भी बहुत अच्छी कप्तानी करी, बाकी हमने सबकी बात करी। अब हमें दोस्त करना था श्रीलंका को फाइनल में, जो कि हम मिलेंगे 2 अप्रैल को जो खत्म हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी यादें भी ताज़ा हुई होंगी, मुझे तो उस दिन बहुत मज़ा आया था। तो मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जल्दी, पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।